पिताजी मुझे आशीर्वाद दीजिए कि आज भी मैं जुए में जीत सकूं। वाह भैया, पिताजी से आशीर्वाद मांग रहे हो, वो भी जुए में जीतने के लिए। देख मधु, तू बीच में मत टोका कर, ये मेरा धंधा है। धंधे में जाने से पहले आशीर्वाद मांग रहा हूँ तो क्या बुरा कर रहा हूँ? तुझे अपना काम कर जा। अच्छा बाबा, लेकिन रात को जल्दी आ जाना। हाँ हाँ जल्दी आ जाऊंगा। 5 ब्लाइंड। मेरा भी 5 ब्लाइंड। 5 और। ये लो 5 और। ले 5 और। मेरा भी 5। अरे शो करा ले बच्चू, अपना पत्ता खुलेगा तो आप उनको सलाम करते हुए खुलेगा। ऐसा क्या, देखता हूँ किसका पत्ता सलाम करता है। ये ले 20 में शो। ये क्या है? हाथ छोड़, नहीं तो बाप की याद दिला दूंगा। अरे बाप का नाम लेता है। पकड़ो सबको, जाने ना पाए, पकड़ो इनको। कब तक भागोगे मियाँ, अंदर आ जाओ। आपकी तारीफ। अरे तारीफ कैसी, दोस्ती समझो। नाम रफीक। मेरा नाम जय। कितने किस्मत के धनी हो, तुम्हें तो ऐसी जगह खेलना चाहिए जहाँ पे बड़े बड़े लोग हजारों की दांव लगाते हैं। अरे रफीक मियाँ, अपन सड़क छाप छोटा आदमी है, हम वहाँ कैसे पहुँच सकते हैं? वहीं ले जाने के लिए तो आया हूँ, आओ अंदर आओ। बस मैं जय को ले आया हूँ, अंदर ले आओ। कम इन कम इन। बस साम साहब। तो तुम्हारा नाम जय है? जी हाँ। बैठो। सिट डाउन सिट डाउन। सुना है कि ताश के पत्ते तुम्हारे हाथ में आते रंग बदल लेते हैं। अरे पत्ते साले क्या रंग बदलेंगे सेठ, ये तो अपन का तकदीर है जो अपने ढंग से पत्तों को नचाती रहती। तो बस तकदीर तुम्हारी और तकदीर हमारी, आज से तुम हमारे लिए खेलोगे। जी रफीक। यस बॉस। ड्रिंक्स का बंदोबस्त करो। ओके बॉस। क्या सोच रहे हो? नहीं अपन सोच रहा है कि तुम बिना पिए पियला जैसे कैसे मजाक कर रहा है। मजाक? और नहीं तो क्या। अरे तुम तेरा बड़ा रईस नामी आदमी, तुमको क्या लेना हमारे छोटे मोटे जुगाड़ पुगाड़ के साथ। तुम दुनिया के दाव पेच नहीं समझते जाए। यहां आदमी जितना बड़ा होता है उसको उतनी पैसे की ज्यादा जरूरत पड़ती है, इसलिए मैंने एक आलिशान क्लब खोल रखा है जहां बड़े बड़े लोग दिल बहलाने के लिए आते हैं और लाखों रुपए की हार जीत का मजा लेते हैं। लाखों रुपए की हार में भी मजा लेते हैं? कमाल है सेठ। कमाल तो तुम करके दिखाओगे, कुछ खास लोगों को हरा कर। हाँ तो सेठ इसमें अपन का फायदा। 100 रुपए रोज का। 100 रुपए बस? अरे सेठ लाखों का वारा न्यारा करने का बकरा हम काटें, बोटियां तुम खाओ। नहीं सेठ ऐसा तो नहीं चलेगा। अरे नहीं 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 नहीं, तुम मुझे गलत समझ रहे हो, ये 100 रुपया तो सिर्फ तुम्हारी जेब खर्च के लिए है, वैसे जीत में तुम्हारा हिस्सा भी होगा। हाँ ये कुछ बात हुई। तो फिर मिलाओ हाथ। आजा सेठ अपन चलता है। सुनो जी एक बात और है, हमारी क्लब में बहुत ऊंची सोसाइटी के लोग आते हैं, उनमें बैठकर तुम्हारा ये अपन तुपन और ड्रेस का ये स्टाइल नहीं चलेगा। अरे सेठ तुम जीत की रकम से मतलब रखो ना, इन सब चीजों की काय फिक्र करता है। वैसे अगर तुम बोलता है तो I will change my style, say Ratan Das, how do you do? Good morning, good night. The gambler, the grand.
चार पांच, 5,000 ब्लाइंड। ये 5 मेरी भी ब्लाइंड। ये क्या कर रहे हैं नाथ साहब? शो करवा लीजिए, 50,000 आप हार चुके हैं। जुए में इतना ज्यादा एक्साइटमेंट अच्छा नहीं होता है। मुझे तुम्हारी नसीहत की जरूरत नहीं, चलो। ठीक है साहब, आप कहते हैं तो खेले देते हैं। ये लीजिए 5,000 ब्लाइंड। मेरी ये 5,000 की ब्लाइंड और आई। नाथ साहब, आपने मुझे याद किया? हाँ रतनलाल जी, मुझे एक 25,000 का बैंक अकाउंट चाहिए। नाथ साहब, क्लब की लिमिट के हिसाब से 50,000 आप ले चुके हैं, लेकिन दोस्त होने के नाते आपको ना भी नहीं कर सकता। यस सर। अरे कमिंग सर। नाथ साहब को 25,000 काउंटर और दे दो। यस सर। थैंक यू वेरी मच। 10,000, 15,000, 25,000 रिसीव बुक साइन कर दीजिए सर, क्लब के रिकॉर्ड के लिए। ये लीजिए। ओह आई सी, आई सी। बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। अब चलो मिस्टर जय, 5,000। चलिए साहब, 5 हमारे भी आ गए। दस मेरे भी। 10। ओके नाउ राइन, 10 में ब्लाइंड शो। शो यस। बस गुलाम बड़ा। नाथ साहब, अगर आप बुरा ना माने तो थोड़ी सी तकलीफ आप भी कर दीजिए। अरे इससे छोटा क्या होगा। ये लो। अरे गुलाम बड़ा, तुम तो बड़ा लकी आदमी है भाया। क्या बात है। माय गॉड, माय गॉड। नाथ साहब, नाथ साहब, क्या हुआ? मैं बर्बाद हो गया। अरे डोंट वरी, रतन दास के होते हुए नाथ अनाथ नहीं हो सकता। लेकिन लेकिन ये आपके 75,000 रुपए वापस कैसे करूंगा? अरे भूल जाओ, ऐसे तो कई 75,000 में तुम पर कुर्बान कर सकता हूं। रतन दास आओ मेरे साथ। अब क्या होगा रतन दास? ये इतनी बड़ी रकम मैं तुम्हें कैसे चुकाऊंगा? अरे घबराते क्यों नाथ, रिलैक्स, सिट डाउन, सिट डाउन, हैव अ ड्रिंक। नाथ, मैं तुम्हें 50,000 रुपए और दूंगा अगर तुम मेरा एक काम कर दो। कैसा काम? गवर्नमेंट ने एक नया प्लान निकाला है ना, K2 प्लान। मुझे उसकी एक कॉपी चाहिए। K2 प्लान और उसकी कॉपी? ये तुम क्या कह रहे हो रतन दास? घबराओ नहीं नाथ, किसी को कानों कान खबर नहीं होगी। ये नहीं हो सकता रतन दास, ये सरकार का टॉप सीक्रेट प्लान है और इस पर देश की हिफाजत अजीम है। इसीलिए तो मुझे चाहिए। तुम वहां के इंचार्ज हो, ये काम आसानी से कर सकते हो। मैं तुम्हें 50,000 रुपए और दूंगा। ये नहीं, मैं नहीं कर सकता। नहीं सोच लो, क्या ये अच्छा लगेगा कि तुम जेल की कोठरी में सड़ रहे हो और तुम्हारे बाल बच्चे फुटपाथ पर पड़े हो? बोलो, ये तुम नहीं कर सकते, तुम मेरे दोस्त हो। तभी तो मैं चाहता हूं कि तुम अपनी दोस्ती का फर्ज निभाओ और मैं अपनी दोस्ती का। कम ऑन, हैव अ ड्रिंक। कम ऑन, कम ऑन, रिलैक्स। सुनो, मैं अपने दोस्त को टेलीफोन कर देता हूं कि तुम मान रहे हो। हमें बहुत खुशी है कि तुमने मिस्टर नाथ को 75,000 के कर्ज में दबा कर कागज साइन करवा लिया। लीले, रतनदास को विस्की दो। थैंक यू। नाथ हमारी मुट्ठी में है, हम जो चाहें उसे करना पड़ेगा। यानी हमने किला फतेह कर लिया। मुझे शो शो। थैंक यू। इसका मतलब है कि सरकार की लेटेस्ट साइंटिफिक इन्वेंशन का राज हमें मालूम हो जाएगा। लेकिन तुम्हारा ये मिस्टर नाथ, ये कब तक अपने मिशन में कामयाब होगा? वेल, ही इज ऑलरेडी ऑन द जॉब, उसने काम शुरू कर दिया है। फ्रेंड्स, आप लोगों को ये जानकर खुशी होगी कि हमारे साइंटिस्ट ने एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन का प्लान दिया है जो हमारे देश की रक्षा के लिए कारामद और जरूरी साबित होगा। मैं आपके सामने फिल्म के जरिए उस मशीन और उसके एक्शन की थोड़ी सी रूपरेखा पेश करता हूं। मिस्टर सिंह, स्टार्ट द प्रोजेक्टर। ये है हमारे देश का समंदरी किनारा। अगर वो मशीन जहां फिट कर दी जाए तो 50 मील का एरिया उसके अटैक की रेंज में आ जाएगा, और अगर दुश्मन का जहाज इस रेंज में एंटर हुआ तो फौरन उसकी तस्वीर रडार पर आ जाएगी और हमारी मशीन
एक्टिव हो जाएगी, उसमें से रेज निकलेंगी और जहाज को जलाकर खाक कर देंगे। इसी तरह दुश्मन का कोई भी हवाई जहाज उसकी रेंज में आ जाए तो उसका भी यही हश्र होगा। रतनदास ने अच्छा काम किया। या वेरी गुड। मार्कनी को डांस फिल्म के जरिए एक मैसेज भेज दो। या यहाँ के साइंटिस्ट ने एटॉमिक पावर से एक नया ऑटोमेटिक डिवाइस इजाद किया है जिसकी एक किरण 50 मील दूर से हर किसी के मेटल को जलाकर खाक कर देती है। हम इसका प्लान और फॉर्मूला दे सकते हैं, खरीदार देखो। हम इस प्लान को की टू प्लान बोलेंगे। की टू प्लान या कीमत कम से कम $5,00,000। लेकिन इस डांस का बैकग्राउंड कोड क्या होगा? ये Thank you.
क्या ख्याल है तुम्हारा? देखने में तो डांस बिल्कुल नॉर्मल लगता है सर। हाँ लगता तो है नॉर्मल, लेकिन है नहीं, वरना इतनी रिस्क लेकर वो लोग ये फिल्म स्मगल नहीं करते। सर मेरे ख्याल में इस सवाल का ठीक ठीक जवाब ये डांसर ही दे सकती है। लाइट नहीं चलेगी मैडम। कौन? मैंने फ्यूज निकाल दिया है। कौन हो तुम? आपका चाहने वाला, आपका फैन। फैन हो तो सामने आओ, छुपे क्यों हो? पिस्तौल पर्स में रख लीजिए, मैं सामने आ जाऊंगा। मैं कहती हूँ सामने आओ, वरना मैं गोली मार दूंगी। आप होशियार जरूर हैं, लेकिन आपके नाजुक हाथों में ऐसे हथियार शोभा नहीं देते। आप कौन है, क्या चाहते हैं, इस तरह छुपके मेरे कमरे में क्यों आए? यूं समझ लीजिए कि इस समय आप पुलिस की हिरासत में हैं। क्या? जी हाँ, मैं जानना चाहता हूँ कि जिन फिल्मों में आप नाचती हैं उन्हें कौन बनाता है और वो कहाँ भेजी जाती हैं। नहीं, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं किसी फिल्म में काम नहीं करती। जो लड़की अपने पास पिस्तौल रखे उसके लिए इतना बड़ा झूठ बोलना आसान काम है, लेकिन हमारे लिए आपसे सच बुलवाना मुश्किल नहीं होगा। चलिए हमारे साथ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, चले जाओ यहां से। आप हमारे साथ चलेंगी? नहीं। चलिए। सेठी, बोलो कौन सेठी, उन फिल्मों के पीछे क्या राज है, जल्दी बोलो। जल्दी सेठी। यस बॉस। तुमने बहुत अच्छा काम किया है, शाबाश। थैंक यू बॉस। उस आदमी ने तुम्हें देखा तो नहीं? शायद 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 में खतरा है, और खतरे में तुम हो, इसलिए तुम्हारे यहां रहना ठीक नहीं। रमेश, क्या सेठी को मार्केटिंग के पास रूम भेज दो, वहां काम भी संभालेगा और ऐशो आराम भी करेगा। थैंक यू बॉस, थैंक यू वेरी मच। तुम्हारे लिए टिकट और पासपोर्ट रमेश पहुंचा देगा। डगलस। यस बॉस। सेठी को ले जाओ। ओके बॉस। रमेश, मैंने भी कहा था ना, शायद में खतरा है, खतरे को दूर करना चाहिए। मैं समझ गया, सिटी का रूम पहुंचने दीजिए, मैं मार्कोनी को फोन कर दूंगा। चेयर्स। चेयर्स। एक प्रॉब्लम और है, मोनिका के बाद अपनी फिल्मों के लिए एक नई लड़की का इंतजाम करना होगा। मेरे दिमाग में एक लड़की है, खूबसूरत, हसीन, कैपरे डांसर, उस पर भरोसा किया जा सकता है? मुझसे भी ज्यादा। आई हूँ
किसी आंखों से शबनमी गालों से रेशमी बालों से दीवानो दिल संभालो दिल चुराने आई हूँ मैं हेलो रमेश हाय बेबी You're looking beautiful. Thanks. कैसे आना हुआ? तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी खबर लाया हूँ. Really? क्या खबर है? बताता हूँ मेरी जान. पहले जरा relax तो कर ले. Come on, let's have a drink, okay? Come, baby. Available. Fine. Bye. Mamma mia! Alu? Chowmin? Makuni here. Army post ka information aaya hai. Balance payment karo aur information le jao. Aur ek aur bada news hai. उधर का गवर्नमेंट ने एक ऐसा एटॉमिक डिवाइस बनाया है जिसका किरण से आई मीन रेज लगने से 50 माइल्स तक का प्लेन शिप और सबमरीन सब एक सेकेंड में ब्लास्ट हो जाएगा तुम्हारे गवर्नमेंट को मांगता है प्राइस होगा $500,000 50% एडवांस और डिलीवरी विद इन 3 वीक्स मांगता है तो बोलो हरी अप फास्ट अदरवाइज हम किसी और गवर्नमेंट को दे देगा या या तरता तीर तीर ती तरता तीर कौन आया ओ सीनियर सेठी अरे मेरी जान कैसा है तुम हम बहुत अच्छा हम बहुत खुश तुम कितना दिन के बाद आया अब हम कुछ दिन यही रहेगा बॉस हमारे काम से बहुत खुश हुआ और उसने कहा कुछ दिन हॉलिडे मनाओ और तुम्हारा बॉस ग्रेट आदमी है ग्रेट अभी हम उसका मैसेज डिकोड करता था सेठी तुम्हारा बॉस का जो नया डांसर है ना मामा मिया ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मामा मिया रमेश का फैंसी आई सी लेट्स हैव सम ड्रिंक डेफिनेटली वी विल ड्रिंक तुम इतना दिन के बाद आया हम सेलिब्रेट करेंगे लेट्स सेलिब्रेट एक्सक्यूज मी हेल्प योरसेल्फ डेफिनेटली चीयर्स आलू माकोनी और रमेश व्हाट अ सरप्राइज हाँ फिल्म मिला डिकोड किया चौमिन से बात भी किया हाँ सेठी जी यार बात करेगा व्हाट तो होल्ड ऑन होल्ड ऑन लाइन में कुछ डिस्टरबेंस है हम दूसरा लाइन से बात करता है ओ मोमेंटो मोमेंटो सीनियर सेठी मोमेंटो रमेश तुम अभी क्या बोला सेठी का मर्डर करने का यस ही इज अ ट्रेटर ये बॉस का ऑर्डर है ओके ऑर्डर इज एन ऑर्डर तुम फिक्र मत करो आम उसको अभी बाहर ले जाएगा और उसका काम खत्म करेगा अभी मार्कोनी बात फिनिश हाँ फिनिश और सीनियर सेठी हमको बिजनेस के लिए होटल डेल्टा जाना होगा उधर सीनियर अब्दुल से हमको बिजनेस का बात करना है। रमेश बोला रमेश बोला तुम इधर बैठ के क्या करेगा तुम भी हमारे साथ चलो चलो लेट्स गो कम ऑन चलो बिजनेस के वास्ते जाना मांगता हमको मारना मांगता ये ले।
किसी को मारने वाला पैदा नहीं हुआ भी था। I'll kill you. मार्कोनी, तेरे बॉस को अगर उंगलियों पे लेना चाहा तो सेठी नाम नहीं। क्या कहा? सेठी कोडबुक का टेप ले गया? यू फूल, कोडबुक सेठी के पास रही तो वो हमें बर्बाद कर देगा। तुम अपने हर एक एजेंट को खबर करो, सेठी जहां भी मिले उसे कोडबुक हासिल करो, उसे जान से मार डालो। मैं कोशिश करूंगा। आई विल ट्राई। यू विल नॉट ट्राई, यू विल किल हिम। इट्स एन ऑर्डर। आपने मुझे बुलाया सर? यस विजय, इट्स समथिंग वेरी एक्साइटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे रोम के ऑफिसर ने एक रिकॉर्डेड मैसेज भेजा है, सुनो। आप जानना चाहते हैं कि मोनिका का खून किसने किया? आप जानना चाहते हैं कि डांस की जो फिल्में बॉम्बे से स्मगल होती है उनके पीछे क्या राज हैं? आप जानना चाहते हैं कि उस गैंग के एजेंट के नाम और पते क्या हैं? तो इन सवालों के जवाब मैं आपको दे सकता हूं। कीमत सिर्फ $50,000। मैं कल रात को ठीक 9 बजे आपके दिल्ली के एजेंट को फोन करूंगा। उनका नंबर दीजिए। अगर उन्हें यह सौदा मंजूर हो तो वेरी गुड, ओवर। सुना? इंटरेस्टिंग। सर, ये जरूर उसी गैंग का कोई आदमी है और ये फिल्में वही हैं जिनका राज हम जानना चाहते हैं। आपका क्या ख्याल है? मुझे रोशनी नजर आ रही है विजय। टेलीफोन नंबर तो उसे दे ही रखा है। लेट्स वेट, 9 बजने वाले हैं, देखें क्या टेलीफोन करता है। I don't like it. I don't like it. I don't like it. आज 2 दिन से मार्कनी ने कोई खबर नहीं भेजी और तुम लोग खामोश बैठे हो। जाओ वायरलेस पर रोम कॉन्टेक्ट करो और पूछो वो सेठी का क्या हुआ। ओके सर, लॉन्ग डिस्टेंस कॉल फ्रॉम रोम। गिव मी द लाइन। ओके, प्लीज स्पीक ऑन द माइक। हेलो, गुड इवनिंग सर। मेरा मैसेज मिला? मिला। वेरी गुड, तो क्या फैसला किया आपने? हम तैयार हैं, लेकिन ये डील किस तरह से होगी? हमारा एजेंट तुम्हें रोम में कहां मिले? रोम से बात कीजिए। रोम में नहीं, वहां खतरा है। 20 जून को आपका एजेंट वेनिस के लीडो कैसीनो में पहुंचेगा। सब कुछ अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। अंडरस्टैंड? करो। 20 जून वेनिस में लीडो कैसीनो, जहां जुआ होता है। ठीक शाम को 6 बजे वहां के मेन हॉल में एक सुनहरे बालों वाली लड़की टेबल नंबर 4 पे लगातार 13 नंबर पर रूलेट गेम खेलती नजर आएगी। आपका एजेंट उसके पास जाकर वही नंबर खेलेगा। मैं तुम्हें अपने वहां के एजेंट का नंबर देता हूं। प्रोग्राम की तब्दीली की इतला वहां देना। नंबर 770021। ओके, नोट कर लिया। इस ऑपरेशन का कोडवर्ड होगा डेली फ्रेंड। और याद रखिए, अगर मेरे साथ किसी तरह की चालाकी करने की कोशिश की गई तो यह कीमती इंफॉर्मेशन किसी दूसरे मुल्क को बेच दी जाएगी। और हां, इस डील के लिए उसी एजेंट को भेजिएगा जिसने मोनिका को गिरफ्तार किया था, ताकि हम उसे पहचान सकें। ओवर। लरी बास्ट। रमेश, इससे पहले कि वो कमीना कामयाब हो तुम वहां पहुंच के उसे खत्म कर दो और सब कुछ अपने कब्जे में ले लो। ओके, और पता लगाओ पुलिस एजेंट किसे मुकर्रर किया गया है, उसकी तस्वीर मुझे चाहिए। कहिए सेठ जी, ये आज बेवक्त कैसे बुलाना हुआ? मैंने तुम्हें एक पर्सनल और प्राइवेट काम के लिए बुलाया है। बैठो। जय, मेरे एक जिगरी दोस्त हैं मिस्टर दीपचंद। पार्टीशन के बाद वो लिस्बन जाकर सेटल हो गए। लिस्बन यानी पुर्तगाल? हाँ, उनकी एक बेटी है माला। वो चाहते हैं कि अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे के साथ कर दें। उनकी ख्वाहिश के मुताबिक मैंने उन्हें हाँ कर दी। लेकिन सेठ जी, बेटा है नहीं और आपने ये रिश्ता मंजूर कर लिया? अपना ना सही, लेकिन जिस गैर को मैंने हमेशा अपने बेटे की तरह समझा है उसकी फोटो मैंने दीपचंद को भेज दी। अच्छा, कौन है वो खुशकिस्मत? तुम। जी? मैं? हाँ। आपने मुझे अपना समझा, इस बात के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन इतना बड़ा फैसला करने से पहले आपने मुझसे पूछ लिया होता? जिस पर अधिकार हो, विश्वास हो, भरोसा हो, उससे पूछना बहुत जरूरी होता है। ये देखो लड़की की तस्वीर, खानदानी है, पढ़ी लिखी है, बाप करोड़पति है। लड़की तो बहुत अच्छी है सेठ जी, लेकिन लेकिन कुछ नहीं। अगर तुमने शादी से इनकार किया तो क्या? तो
तो उसकी शादी कहीं और हो जाएगी और हम बहुत बड़ी जायदाद से महरूम। बस 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 सेठ जी, ना साथ में आ गई, आप दीपचंद जी की दौलत के पीछे हैं। हो सकता है, लेकिन मैं बाप बेटी पर एक एहसान भी तो कर रहा हूं। तुम जैसा दामाद दीपचंद को कहां मिल सकता है, और फिर तुम इतने बड़े जुआरी हो, एक दौर लगा दो। यानी जुआ जिंदगी का, दौलत के नाम पे शादी, ये तो सीधा साधा बिजनेस है जहां आपको मेरा नकली बाप बनना है और मुझे आपका नकली बेटा, लेकिन साबित ये करना है कि हम दोनों असली बाप बेटे हैं। करेक्ट। तो सेठ जी, दौलतमंद दीपचंद जी की इकलौती बेटी के साथ शादी करने की मेरी फीस 50-50। सारा हिसाब किताब आप करके बैठे हुए। चलिए एक दांव ये भी सही। एक छोटी सी बात और है सेठ जी, शादी करने के बाद अगर मैं असलियत जाहिर कर दूं तो? तुम ऐसा नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि चोरों के दरमियान एक ईमान होता है। हाँ। तुम 14 तारीख की एयर इंडिया फ्लाइट से रोम जा रहे हो, वहां ये लड़की तुम्हें एयरपोर्ट पर रिसीव करेगी। ये रहा तुम्हारा पासपोर्ट और टिकट। तो ये प्रोग्राम तय रहा, इस ऑपरेशन में तुम्हारा नाम विजय नहीं जय होगा। ओके। यस सर। हाँ, रोम पहुंचकर तुम इस नंबर पर फोन करोगे और अपना कोड नंबर दिल्ली फ्लाइट बताओगे। हमारा वहां का एजेंट तुम्हारी रकम का इंतजाम करेगा, और अगर प्रोग्राम में कोई तब्दीली हुई तो तुम्हें इन्फॉर्म करेगा। एनीथिंग एल्स यू वांट टू नो? नो सर। ओके, ये रहा तुम्हारा टिकट, 14 तारीख 9 बजे एयर इंडिया फ्लाइट। थैंक यू सर। तो ये है सीआईडी एजेंट, स्मार्ट गाय। रमेश, इसे खरीद लो। यह मुमकिन नहीं है, यह आदमी बहुत ईमानदार और फर्ज का पक्का है। हर आदमी खरीदा जा सकता है, दौलत से नहीं तो औरत से खरीदो। मैं समझा नहीं। तुम्हारी शबनम हसीन है, जवान है, उसे लगा दो इस दांव पर। जिस फ्लाइट से ये जा रहा है उसी फ्लाइट से तुम दोनों भी जाओगे, और इसे पूरी इंफॉर्मेशन हासिल करने के बाद। मैं समझ गया, बिल्कुल समझ गया। Are you going to Rome, Mr. Jay? Yeah. Report to Immigration and Customs, please. Thank you. To Rome, please. You're welcome. Excuse me, एक रिक्वेस्ट है। Yes. वो मिस्टर जय जो अभी गए हैं, अगर उनके साथ वाली सीट खाली हो तो। Sure. Thank you. You're welcome. Thank you very much. नमस्कार, एयर इंडिया एवरेस्ट पर आपका स्वागत करते हैं। इस समय सुबह के 2 बजे हैं और हम कायरो और रोम होते हुए लंदन जाएंगे। आपसे विनती है कि आप अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें और धूम्रपान न करें। 2,969 मील या 4,779 किलोमीटर कायरो तक की यात्रा लगभग 5 घंटे और 5 मिनट में पूर्ण की जाएगी। Yes. वो मेरी कुर्सी की पेटी शायद रात के आप उस पर बैठी हुई 30 मिनट हुए हैं। I'm terribly sorry. जलपान पेश किया जाएगा। Excuse me, ma'am. Flight 125. Sorry, sir. The count is closed. लेकिन आप, haven't you already checked in? नहीं, मैं तो अभी अभी आया हूँ। ये देखिए मेरा टिकट। मैं कहाँ चेक इन हुआ? कमाल है, आप नहीं थे तो वो साहब कौन थे? कौन साहब? देखिए मैडम, मेरे ख्याल से आपको कोई गलत फहमी हो रही है। प्लीज। स्ट्रेंज, बट आई एम सॉरी, 125 हैज टेकन ऑफ। एक्सक्यूज मी। थैंक यू। वेलकम। थैंक यू। सुहाने सफर और हसीन साथी के नाम पे चीयर। चीयर्स एंड थैंक यू मिस्टर जय। आपको मेरा नाम कैसे मालूम? बुकिंग काउंटर पर आप मेरे आगे थे। हाँ। मुझे शबनम कहते हैं। वैसे मैं एक डांसर हूँ, प्रोग्राम्स के लिए अक्सर फॉरेन कंट्रीज जाती हूँ। और आप? मैं यूँ समझिए एक मामूली सा फनकार हूँ। आप लोगों के दिलों पे थिरकती हैं, और ये कार्ड्स
मेरी उंगलियों पे थिरकते हैं। तो आप एक गैम्बलर हैं? सही कहा, लेकिन आम जुआरियों की तरह नहीं हूं। क्या मतलब? मतलब ये कि जो लोग जुए की बाजी लगाते हैं उन्हें तो आप गैम्बलर कह सकते हैं, लेकिन इस वक्त मैं अपनी जिंदगी की बाजी लगाने जा रहा हूं, इसलिए अगर आप चाहें तो मुझे एक गैम्बलर कह सकते। हेलो सर, मैं विजय बोल रहा हूँ। जी हाँ, वो दिल्ली से फ्लाइट लेट पहुंची, इसलिए एयर इंडिया की फ्लाइट मिस हो गई। जी, अब मैं कल शाम की फ्लाइट से रोम पहुंचूंगा। आप चाहें तो रोम के एजेंट को फोन कर दें। थैंक यू। ये मैं आपका बैग पकड़ लूं। थैंक यू, हल्का ही है। हेलो, हाउ आर यू? एवरीथिंग अरेंज्ड? या वेयर इज माय ड्रेस? यस, गिव इट टू मी। या लिसन, या गो एंड डायल द टेलीफोन अप देयर। ओके, अंडरस्टैंड? ओके, गो गो। हेलो, एयर इंडिया? एयर इंडिया? व्हाट? There is a time bomb in flight number 125. Hello, who is speaking? कहाँ से बोल रहे हैं आप? कौन बोल रहे हैं? Hello, hello. क्या बात है? किसी ने फोन पे बताया कि flight number 125 में time bomb लग गया है। What? No, that's okay. Your attention, please. We are sorry to inform that Air India flight 125 will be delayed for some technical reasons. Passengers are requested to please collect their baggages and proceed to Hotel Meena Oberoi. They will be oh God. About the next role in the hotel. इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? मैं भी तो हूँ आपके साथ। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मुझे रोम पहुँचना है, वहाँ मेरा कोई इंतजार कर रहा है। मजबूरी है, क्या किया जाए। हम होटल से केबल कर लीजिएगा। चलिए अभी सामान तो ले लें, चलिए ना। ज्यादा दूर नहीं है, टैक्सी यहीं मिल जाएगी। हेलो मैडम शबनम, द ग्रेट सिंगर एंड डांसर, सलाम अलैकुम। हेलो अब्बासी, वालेकुम सलाम। क्या तुम यहाँ? कहते गायब है कि मैं दोस्त को छोड़ने आया और आपको यहाँ पाया। खुश आमदीद, खुश आमदीद। ये तो बड़ी खुशी की बात है। मीट माय फ्रेंड मिस्टर जय। सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम। गुलाम को मीर इब्नुल गुलफाम अब्बासी कहते हैं। इतना बड़ा नाम सिर्फ अब्बासी नहीं चलेगा? उलवाद कुर्बान कुर्बान चलेगा, क्या दौड़ेगा दौड़ेगा। खुदा के फजल से इस सरजमीन मिस्र पर मैं जनाब का इस्तकबाल करता हूँ और आपकी खास खिदमत के लिए। लेकिन अब्बासी, तुम इनकी कोई खास खिदमत नहीं कर सकते, इन्हें रोम जाने की जल्दी है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह थोड़े से मौके पर भी खादम जनाब की कोई ना कोई खिदमत तो कर ही सकता है। आइए आइए, चलिए, गुलाम के पास गाड़ी है, आइए। Thank you.
सिगरेट? ऐसे नहीं, अगर सुलगाना है तो होंटू की चिंगारी से सुलगाओ। जो खुद शोला है उसे सुलगाने की क्या जरूरत? और अगर शोला भड़क उठे तो फायर ब्रिगेड बुला लेंगे। मजाक नहीं जय, अजीब बात है, कुछ घंटे पहले हम एक दूसरे को जानते भी नहीं थे और कुछ घंटे बाद तुम रोम चले जाओगे और फिर शायद वेनिस। वेनिस नहीं, लिस्बन। लिस्बन? लिस्बन? हाँ। लिस्बन क्यों? वहां मैं जिंदगी का एक और जुआ खेलने जा रहा हूँ। मुझे भी साथ ले चलो। नहीं शबनम, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मैं जो जुआ खेलने जा रहा हूँ उसमें बादशाह के साथ एक ही बेगम रह सकती है। ओह, तो तुम्हारी बेगम का इंतजाम हो चुका है। खुशखबरी, खुशखबरी। क्या हुआ बासी? हजूर मुबारक हो, आपका प्लेन अब कल सुबह 10 बजे यहाँ से जाएगा। हाय अब्बासी, क्या खबर लाए हो? शुक्रन, शुक्रन। जय, अब तुम्हारे साथ एक शाम गुजारने का मौका मिलेगा। हाँ। लेकिन शबनम, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मायूस क्यों होते हैं हजूर? आज की रात मंजरे हुस्न और दस्तूरे इश्क मुलाजा फरमाइएगा। हाँ? शराब और शबाब में डूब कर जन्नत मिस्र का जलवा लूटिएगा। जवाब नहीं तेरा, क्या जलवा है, क्या जन्नत है, क्या हूर है, क्या नूर है। शुक्रन, शुक्रन, शुक्रन। अभी तो क्या, अभी तो मुलाजा फरमाइएगा। हजूर ऐसी चीज पेश करूंगा जिसे देखते ही आप उछल पड़ेंगे। ये अब्बासी है बड़ा कारीगर। खातीनो हजरत, आप सब लोगों को ये सुनकर निहायत ही मुसर्रत होगी कि इस हसीन रात को रंगीन बनाने के लिए आज हमारे बीच हिंदुस्तान की बेहतरीन सिंगर एंड डांसर मौजूद है। हमारी इनसे दरखास्त है कि वो अपनी दिल का शहबाज और माया नाज अंदाज से इस नायाब मौके को चार चांद लगाकर हमें इज्जत अफजाई का मौका दे। मैं शबनम फ्रॉम इंडिया। सलाम
गए, दिल चाहे बस हो जाऊं तेरे इश्क में बदनाम, रखा सा तेरा नाम ए साहिब सब गुजरा, रखा सा तेरा नाम ए साहिब सब गुजरा, आपकी खिदमत के लिए मैं हाजिर हूँ आज की शाम, मैं आवासी नहीं रोमेश हूं, बंबई से ही आपका पीछा कर रहा हूं। बंबई से? लेकिन किस लिए? इसलिए कि जिस काम के लिए आप वेनिस जा रहे हैं, अब आप वो काम सरकार के लिए नहीं हमारे लिए करेंगे। वेनिस? सरकार का काम? मेरे को समझ में नहीं आया, मैं तो लिस्बन जा रहा हूं अपने निजी काम से। हम सब कुछ पता लगा चुके हैं मिस्टर सीआईडी एजेंट। सीआईडी एजेंट? खैरियत इसी में है कि हमारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाइए, हम आपकी हिफाजत भी करेंगे और एक खासी अच्छी रकम इनाम के तौर पर भी देंगे। कम ऑन मिस्टर विजय। विजय? यस कम ऑन कम ऑन। देखिए मेरा नाम विजय नहीं है। फिर झूठ? यकीन कीजिए मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, आप लोग मुझे कोई और समझ रहे हैं। अगर आप कोई और हैं तो ये कौन है? शबनम। शबनम तुम? ओ, तो तुम भी इन लोगों के साथ हो। शट अप। पहले ये बताओ ये फोटो तुम्हारा है या नहीं? फोटो तो मेरा ही लगता है, लेकिन तो फिर हम लोगों को कोई गलतफहमी नहीं हुई है। लेकिन देखिए ना, तो मैं विजय हूं ना सीआईडी एजेंट, और ना मैं किसी सरकारी काम से जा रहा हूं, मैं तो लिस्बन जा रहा हूं, दीपचंद जी की बेटी से मेरी शादी होने वाली है। ये देखिए ना, ये मेरा पासपोर्ट, ये टिकट और ये दीपचंद जी की चिट्ठी। अब यकीन हुआ आपको? अगर ये यकीन कर भी लिया जाए कि तुम वो नहीं हो, तो हम शक्ल होने के नाते हमारा काम और भी आसान हो सकता है। क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि हम तुम्हें उसकी जगह सीआईडी एजेंट मुकर्र करके पेश करेंगे, तुम्हें उसका काम करना होगा। नहीं नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकता। फिक्र मत करो, उसका काम खत्म होते तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। क्या फर्क पड़ता है ग्रेट गैम्बलर, एक जुआ ये भी सही। और अगर मैंने ये जुआ खेलने से इनकार कर दिया तो इन सब की एक एक गोली तुम्हारे जिस्म को छलनी कर देगी। और ये सदियों पुराना कब्रिस्तान देखते हो, यहां किसी कोने में तुम्हारी लाश को भी दफना दिया जाएगा। सोच लो, हमारा काम करके शादी के लिए जाना चाहते हो या हमेशा के लिए यहां सो जाना चाहते हो? ठीक है, हम आपका काम किए देते हैं, लेकिन मेरे रूम पहुंचने से पहले असली एजेंट वहां पहुंच गया तो? डोंट वरी, उसका इंतजाम मैं अभी कर देता हूं।
partenza per New York e Philadelphia, volo 111, imbarco immediato, uscita 6. Panamericano volo 111, uscita 6. Panamericano departure to Hello. New York and Philadelphia. Hello. मैं जय बोल रहा हूँ, दिल्ली फ्रेंड, रोम एयरपोर्ट से। वेलकम सर, लेकिन डील वीनस में 20 तारीख की मुकर्रर हुई है। हाँ मुझे मालूम है, लेकिन हेडक्वार्टर ने मुझसे कहा कि 4 दिन पहले पहुंचूं, ताकि जिसके साथ डील हो रही है उसके बारे में कुछ जानकारी हासिल कर सकूं। अभी तक कोई नई जानकारी हमें नहीं मिली। कोई बात नहीं, मेरे रहने का इंतजाम होटल हिल्टन में किया है ना? जी हाँ। अगर कोई प्रोग्राम में तब्दीली हो या दिल्ली से कोई मैसेज आए तो होटल हिल्टन में दे दीजिएगा। ओके, बाय। हेलो जय। हेलो। मैं आपके लिए कितनी परेशान थी। परेशान मेरे लिए? और नहीं तो क्या, आना था 15 को और आए 16 को, मालूम मैंने कितने चक्कर लगाए एयरपोर्ट के। हाँ वो मेरी फ्लाइट मिस हो गई थी, लेकिन आप, आपकी तारीफ। क्या मेरी तारीफ? बनाने की कोशिश मत कीजिए, आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं माला हूँ। माला? हाँ, आपके पिताजी ने मेरी फोटो नहीं दी आपको? ओ हाँ, वो फोटोग्राफ तो दी थी, लेकिन वो वहीं छूट गई। कोई बात नहीं, मैंने आपकी फोटो बहुत संभाल कर रखी है, ये देखिए। अब ये मत कहिएगा कि आप अपनी फोटो को भी नहीं पहचानते। मैंने, ये बात नहीं है, फोटो तो मेरा ही है, लेकिन आपने मुझे पहचाना कैसे? नहीं वो दरअसल बात ही है माला जी, बहुत साल पहले मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था, सर में चोट आ जाने की वजह से कभी कभी मैं अपनी याददाश्त खो बैठता हूँ। आई एम सॉरी। चलिए आज हम ये रहेंगे और कल की फ्लाइट से डैडी के पास जाएंगे। डैडी? हाँ वो तो लिस्बन में है ना, मैं उनका आपके आने का फोन करके आती हूँ। विजय, तुम्हारे पेशे में हम शक्ल का होना खतरनाक है, माला के साथ जाने में ही भलाई है, शायद असली जय का पता चल जाए। आप गाड़ी तो लाई है ना? जी हाँ, वो रही। ओके। चलिए। ये लीजिए। ये क्या, गाड़ी में चलाऊं? हाँ, मैं गाइड करूंगी। आपकी लाइफ इंश्योर्ड है ना? माला जी, जी एक बात समझ में नहीं आई। क्या? मुझे तो वेनिस जाना था, आप मुझे लिस्बन क्यों ले जा रहे हैं? क्योंकि हम लिस्बन में रहते हैं, वेनिस में नहीं। हाँ मैं तो भूल ही गया। क्या हुआ? लगता है हमें कोई फॉलो कर रहा है। We'll be right back.
बात चुप है। ना हम यहाँ किसी को जानते हैं ना पहचानते हैं, फिर ये दुश्मनी क्यों? समझ में नहीं आता। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हमें कोई और समझ रहे हो? पता नहीं। खैर चलो, जान तो बच गई, आपकी इंश्योरेंस रह गई। Hello. Good day. My name is Jay. You have a booking for me. Yes, Mr. Jay. Would you mind writing the details? Sure. I need your passport as well. Here you are. Thank you. Your room number is 545. Thank you. I'll be getting some important phone calls. Sure. I'd like you to make a note of them. Sure. Thank you. You're welcome. चलिए पहले पेट पूजा कर लें। चल। आपको कैसे मालूम इस रेस्टोरेंट के बारे में? पहले भी आ चुकी हैं क्या? हाँ, grazie. मालूम है इसे क्या कहते हैं? क्या? पिज़्ज़ा लवर्स पेयर। पिज़्ज़ा लवर्स पेयर? क्या मतलब? पिज़्ज़ा यानी इटालियन पराठा और लवर्स पेयर यानी जिसे दो प्रेमी खाते हैं। हो, उसे कैसे मालूम कि हम दोनों? मेरे चेहरे पे तो उसी दिन से लिखा हुआ है जिस दिन से मैंने आपकी फोटो देखी। और और आपके दिल का हाल आपकी आंखों ने बता दिया। खाएं। आपके पास कोई सिक्का है? सिक्का? हाँ, क्यों? कहते हैं यहाँ सिक्का डालने से मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। अच्छा, तो ये रहा एक सिक्का आपके लिए, एक मेरे लिए। अभी डाले देते। अरे ऐसे नहीं, पलट कर। क्या मांगा आपने? मैंने मांगा कि जिस मकसद से मैं आया हूँ वो पूरा हो जाए। सच? और तुमने? मेरा मकसद तो खुद बखुद पूरा हो गया। आप मुझे आप कहकर पुकार रहे थे, खुद बखुद तुम कह बैठे। I'm happy. आज से आप मुझे आप मत कहिएगा। Beautiful, beautiful, madam. Thank you. May I have a postal address, please? Deep Chandila, Road Number 4, North Square, Lisbon. Lisbon. Thank you. Thank you. Grazie, prego. Hello, Papa. Hi, hi. Oh, Papa. Papa, this is Mr. Jay. Namaste. कैसे हो? माफ करना बेटा, मैं तुम्हें रूम में लेने के लिए नहीं आ सका, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती है। क्या कह रहे हैं बाबूजी? यहाँ आपने एयरपोर्ट आने की तकलीफ क्यों की? इसमें तकलीफ की क्या बात है? ये तो वो खुशी का मौका है जिसका बरसों से मुझे इंतजार था। तुम्हें क्या मालूम तुम इतने से थे, मैंने तुम्हें गोद में खिलाया है। लतनदास की तरह मेरी भी उम्मीदें तुम पर लगी हो। ओहो पापा, अब सारी बातें यही करेंगे कि घर भी चलेंगे? ओ चलो, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। हेलो रमेश, हाय शबनम, वेलकम टू रूम। हमारी दोस्त मिस्टर जय। दोस्त? हेलो, ग्लैड टू मीट यू। एक्सक्यूज मी रमेश, या रमेश, ये तुम्हारा साथ कैसे आया? क्या मतलब? तुम्हारा जैसे ही टेलीफोन कल मिला, हम इधर पहुंचा और उस पर अटैक किया, लेकिन बच गया। अच्छा अच्छा, इसका मतलब है कि वो भी यही है। वो कौन और ये कौन? ये उसका डुप्लीकेट है। डुप्लीकेट? हाँ, हमारे काम का आदमी, अब ये उस एजेंट का काम करेगा, समझा? समझा, गुड, वेरी गुड, वेरी। अच्छा ये बताओ, सेचिकी को खबर मिली? नो, दैट बास्टर्ड चीट, थीव। उसका वजह से सब कस्टमर लोग हमारा पीछे। हमने अपने बॉयस लोग को ऑर्डर दिया है कि जिधर वो उल्लू का पत्था दिखाई दे उसको शूट करो। डोंट वरी सेठी, मिलेगा जाएगा कहां सारा। यहां रहने का कौन सा होटल बुक किया? होटल हिल्टन। वेरी गुड, कम ऑन, लेट्स गो। कम ऑन, कम ऑन।
Mr. J, you've come back. You missed the flight, I suppose. I have a message for you. I see. लगता है वो एजेंट इसी होटल में आकर ठहरा था और मैसेज मिलने से पहले ही चला गया। और लेकिन ये भी तो हो सकता है कि ये मैसेज माला ने दिया हो। मैं भी पूछता हूँ। Hold it. कमरे में चलते हैं, वहीं से फोन कर लेंगे। I think that's better. Let's okay. Let's go. Let's go. शबनम, तुम ये नंबर लगाओ 770021। जय, तुम वो टेलीफोन उठाओ, कहो कि मैसेज मिला, मैं जय बोल रहा हूँ। ओके गो। हेलो हेलो, आपका मैसेज मिल गया, मैं जय बोल रहा हूं। कोड नंबर? टेलीफ्रेंड। टेलीफ्रेंड, गॉड। प्रोग्राम में थोड़ी सी तब्दीली हुई है। डील अब 20 तारीख की बजाय 19 तारीख को होगी, क्योंकि सेठी ने खबर दी है कि उसे गैंग वालों से खतरा है। पूछो सेठी कहां है। सेठी कहां है ये उसने नहीं बताया। डील के लिए $50,000 लेकर हमारा आज शाम के 5 बजे कोलोशी में मिलेगा। कोड वर्ड वही, डेली फ्रेंड। ओके बाय। ओके शाबाश जाए, तुमने कमाल कर दिया। सारा राज खुद ब खुद हमारे हाथ में आ गया और साथ में $50,000 भी। जॉनी, उसमें हमारा भी हिस्सा होएगा ना? ऑफ कोर्स मार्कनी, रिलैक्स रिलैक्स। Are you a daily friend? Yes. I'm the man from phone number 770021. Yeah, I know. This is $50,000. Thank you. Good luck. Good luck. कहाँ भाग रहे हो बेवकूफ? ये क्या खून? Take it easy, man. Take लेकिन तुम लोगों ने इसे मार डाला? आम लोगों ने नहीं, तुमने मारा। क्या मतलब? वो तुमको मिलने आया, तुमने उसको डॉलर लिया और उसको मार डाला। फिनिश। एक तो मुझसे काम कराते, ऊपर से इल्जाम लगाते। आहिस्ता बोलो, तुम पर कोई इल्जाम नहीं लगाएगा, लेकिन अगर तुमने हमारा काम अधूरा छोड़ा तो हमें मजबूरन पुलिस को इत्तला करनी पड़ेगी और पुलिस तुम पर सही इल्जाम लगाएगी। अंडरस्टैंड? ओके नाउ कम ऑन। कम ऑन बेबी, कम ऑन। सोचते बहुत हो, लेकिन क्या किया जाए, ये सब हमारे बिजनेस में शामिल है। कम ऑन। ड्रिंक अप। मूड नहीं है। शायद इसलिए कि तुमने आज जिंदगी में पहली बार मौत को देखा है। तुम लोगों के बिजनेस में जो कुछ भी शामिल है
वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए तो मैं तुम्हें इस माहौल में लाई हूँ कि तुम सब कुछ भूल जाओ। चलो पियो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पियो। अरे इतनी बड़ी रकम किस्मत से हाथ लगी, तुम इसे बदतमीजी कहती हो? Come on, love, let's celebrate. Hey, come on, hey. मुझे एयरपोर्ट के लिए टैक्सी चाहिए। टैक्सी एयरपोर्ट तो। Over there. Sorry, baby. कबाब में हड्डियां। Better luck next time. चाओ। चाओ। तो तुम भागने का कोशिश किया, तुम भूल गया कि हमारा एक इशारा पर पुलिस तुमको उस खून के इल्जाम में अभी गिरफ्तार कर सकता है। भागने की कोशिश कौन कर रहा था? उस माहौल में मेरा जरा दम घुट रहा था, इसलिए थोड़ी ठंडी हवा खाने चला है। Shut up! चालाक बनने की कोशिश मत करो। याद रखो, अगर आइंदा ऐसी हरकत कभी की तो इस पिस्टल की छह गोलियां तुम्हारे जिस्म के आर पार होंगी, समझे? चिल्लाओ मत। जब तक तुम लोगों का काम वेनिस में नहीं हो जाता, तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अच्छा, तुम्हारा पासपोर्ट किधर है? अब तुम जहां भी चाहो खुली हवा में जा सकते हो। चलो मार्कनी। चलो चले। ये क्या कर रहे हो जय? प्यार। झूठे, वहां तो उस लड़की के साथ डांस कर रहे थे, उसे लेकर भाग रहे थे। वो सब तो रिहर्सल था शबनम, असली सीन तो अब शुरू होगा। नहीं जय, ऐसा मत करो। ये तो तुम चाहती हो। नहीं प्लीज। यस। नहीं नहीं। ये कोई तरीका है प्यार करने का? प्यार करने का तरीका बाद में सिखाऊंगा, पहले यह बताओ कि तुम लोग हो कौन, असलियत क्या है तुम लोगों की, सरकारी डॉक्यूमेंट्स के पीछे क्या राज है,
किसके इशारों पर चल के तुमने मुझे इस जाल में फंसाया? मुझे कुछ नहीं मालूम। रमेश के सिवा मैं किसी को नहीं जानती। रमेश का बॉस कौन है? कह दिया ना, मैं कुछ नहीं जानती। झूठ, झूठ, तुम झूठ बोलती हो। जानती हो कौन सा फ्लोर है? पांचवा। सच सच बता दो वरना यहीं से तुम्हें फेंक दूंगा। नहीं नहीं पागल पर मत करो, मुझे यहाँ से फेंक दोगे, मार डालोगे तो भी नतीजा क्या होगा? तुम यहाँ से भाग नहीं सकते, तुम्हारा पासपोर्ट रमेश के पास है और वो तुम्हें सिर्फ मैं ही दिला सकती हूँ। स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। आउट, गेट आउट। जय, मैं जानती हूँ तुम मुझसे नफरत करते हो, लेकिन याद रखो, अगर किसी दिन कोई तुम्हारे काम आएगा तो ये जलील लड़की ही काम आएगी। गुड नाइट। Good evening, Miss Mala. Good evening, Mr. Gomes. Meet my friend, Mr. Jeff from Bombay. How do you do, sir? चलिए अपनी favorite जगह ले लीजिए. Please sit down. बैठिए. Jeff, Mr. Gomes Goa के रहने वाले हैं, इसलिए हिंदुस्तानी अच्छी बोल लेते हैं. हाँ, very good. Thank you. क्या पियोगे आप? Whiskey, brandy? नहीं, मैं शराब नहीं पीता. सच? फिर orange juice हो जाए? Oh, sure. Thank you. माला, माला, तुम्हें मुझसे मिले थोड़े दिन हुए, फिर भी तुमने मुझे ऐसे अपना लिया जैसे जैसे तुम मुझे बरसों से जानती हो। किसी को अपनाने के लिए वक्त की जरूरत नहीं होती। लेकिन लेकिन क्या माला, ये पुल देख रही है, ऐसा लगता है वहां दूर दोनों किनारे एक दूसरे से मिल गए हैं, लेकिन जब वहां पहुंचेंगे तो नजदीकी दूरी ही बनी रहेगी। लेकिन मैं आपका मतलब नहीं समझी। मान लो हम दोनों की नजदीकी दूरी बन गई तो? ऐसा मत कहिए, हमारा मिलन अलग होने के लिए नहीं हुआ है, हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। और अगर किसी दिन तुम्हें यह पता चल गया कि मैं वो जय नहीं जिसका तुम इंतजार है तो? फिर बनाने लगे। लेकिन अगर मैं तुम्हारी झूठी बात मान भी लूं तो मैं उसे दिल से निकाल दूंगी, और जिसे दिल में बसाया है उसी के दिल में बसी रहूंगी। हाँ, लेकिन वो मेरी भूल जाने वाली आदत, शादी के बाद सब कुछ भूल गया तो? बस इतनी सी बात, अगर तुम भूल भी गए तो मैं तुम्हें सब कुछ याद दिला दूंगी। कैसे? मैं तुम
मैं मिलकर भूल जाता हूँ। ये तो मैं जानती हूँ, मेरी आदत है अक्सर मैं भूल जाता हूँ। हाँ बाबा हाँ जानती हूँ, कितने लोगों से मैं मिलकर भूल जाता हूँ। मेरी आदत है अक्सर मैं भूल जाता हूँ। देखा फिर कुछ भूल गया मुझको याद दिलाना, मेरा क्या नाम है ये भी भूल गए, मेरा क्या नाम है अनजाना, ओ मेरा क्या नाम है बातों का हिसाब रखूंगा। याद रहेगा ना? बिल्कुल, यादों और वादों की एक किताब रखूंगा। देखो भूलना नहीं। बिल्कुल नहीं। अच्छा मैं सब बातों का हिसाब रखूंगा, यादों और वादों की एक किताब रखूंगा। सबसे पहले उसमें तुम अपना नाम लिखाना, तेरा क्या नाम है, तेरा क्या नाम है सुल्ताना, तेरा क्या नाम है कौन? दिल्ली फ्रेंड। दिल्ली फ्रेंड? आप कहां से बोल? लिस्बन से। लिस्बन? आप लिस्बन कैसे पहुंच गए? बड़ा अजीब वाकया, रोम में आपसे बात करने के बाद मुझे पता चला कि मेरा एक हमशक्ल है जो लिस्बन आ रहा है। दो दिन का वक्त हाथ में था, मैं उसी का पीछा करते यहां पहुंच गया, लेकिन वो यहां भी नहीं। ओह, अब मैं समझा, वो जरूर यहां आया है और उसने हमारा सारा काम बिगाड़ा है। क्या मतलब? मतलब कुछ मत पूछिए, आप फौरन रोम चले आइए और मुझसे मिलिए। मुझे डर है कहीं वो आपसे पहले इवानिश न पहुंच जाए। मिस्टर जय, तुम मूरत काय क्या बैठा है? हमारा वेनिस का ब्यूटी कितना फैंटास्टिक है। मैं कुछ सोच रहा था। तुम तो हमेशा सोचते ही रहते हो। इस बार मैं अपने लिए नहीं, आप लोगों के लिए सोच रहा था। वहां पर सेठी है, उसने अगर मुझे तुम लोगों के साथ देख लिया, वो तुम लोगों को तो पहचानता ही है, काम खत्म होने से पहले ही तख्ता पलट जाएगा। यू डोंट वरी, हम उसको देखते ही शूट करेगा। शट अप बार्गनी। थैंक यू वेरी मच जय, तुमने बहुत समझदारी की बात की है। तो हमारी समझदारी इसी में है कि हम लोग अलग अलग होटलों में ठहरे, तुम और मार्कोनी एक जगह, मैं और जय दूसरी जगह। यू आर राइट, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। प्रियमाला, मैं माफी चाहता हूँ कि तुमसे बगैर मिले जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें और धोखे में रखना नहीं चाहता। मैं वो जय नहीं हूँ जिसका तुम्हें इंतजार है। आशा है कि तुम्हारा जय तुम्हें जरूर मिल जाएगा। और हाँ, तुम्हारे साथ बिताए हुए कुछ दिन मैं जिंदगी भर कभी नहीं भूलूंगा। जय। जय। Excuse me. When is the next flight to Rome? 9:30. Can you book me a seat, please? Yeah. हेलो, मैं बैठ सकती हूँ? देखो भगा मत देना,
थोड़ी ही देर में मैं खुद चली जाऊंगी। बहुत खूबसूरत जगह है, कोई मनचाहा साथी हो यहां तो कुछ दिन बड़े मजे से गुजर सकते हैं, लेकिन तुम तो कल ही चले जाओगे। तुम शायद भूल गई कि जिन शैतानों के साथ मैं फंसा हुआ हूं वो काम खत्म होने के बाद अपने गुनाह का हर सबूत मिटा देंगे। रमेश की पिस्तौल की एक गोली पर मेरा नाम भी लिखा हुआ है। नहीं जय, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। काम खत्म होने के बाद तुम आजाद हो जाओगे, मैं वादा करती हूँ। तुम जैसी लड़कियां वादा इसीलिए करती हैं कि उसे तोड़ सकें। तुम चाहे कुछ भी कह लो मैं बुरा नहीं मानूंगी, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि जब मैंने तुम्हें प्यार के जाल में फंसाया तब ये नहीं सोचा था कि शिकारी खुद शिकार बन जाएगा। खैर जाने दो, तुमने पूछा था ना सरकारी डॉक्यूमेंट्स का राज क्या है, तो सुनो, उस टेप्स में कुछ ऐसे नोट्स हैं जो किसी दुश्मन मुल्क को मिल जाए तो हमारे देश को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और असलियत जानते हुए भी तुम इन गद्दारों के साथ मिली हुई हो? मैं सिर्फ रमेश के इशारों पर चल रही थी। एक बात याद रखो, जिस दिन रमेश का काम पूरा हो गया वो तुम्हें भी खत्म कर देगा। शायद अब ऐसा ही हो, लेकिन मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। मुझे क्या करना है मैं उसका फैसला कर चुकी हूं। ये लो, अगर रमेश की पिस्तौल की एक गोली पर तुम्हारा नाम लिखा है तो इसकी हर एक गोली पर तुम्हारे बचाव का रास्ता लिखा है। और ये रहा तुम्हारा पासपोर्ट। ये अचानक मेरे लिए इतनी हमदर्दी क्यों? हमदर्दी नहीं, मामूली सा तोहफा है एक जलील औरत की तरफ से अपनी नाकाम मोहब्बत के नाम पर। समझ में नहीं आता कि तुम्हारी सदा से प्यार करूं या नफरत। नफरत तो तुम हमेशा करते हो, एक बार प्यार करके भी देख लो ना, कल तुम अपने लोगों की दुनिया में चले जाओगे। क्या आज की एक शाम भी मुझे नहीं दे सकते? Amore mio, dove sei tu? Hey, क्या गा रही है? अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना। गा के? अच्छा, दो लफ्जों की Vola, prendelo, prendelo, amore mio. La 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 la.
थे तुम दोनों? नाव की सैर करने। तुम यहाँ रोमांस करने के लिए नहीं आए हो, समझे? मैं यहाँ आया नहीं हूँ, तुम मुझे यहाँ लाए, इसलिए तुम्हारा काम करने से पहले मैं थोड़ा बहुत अपना काम कर रहा था। बकवास, आज शाम को 6 बजे कैसीनो पहुंचना है। ये लो बैग, इसमें डॉलर्स है। असली या नकली? नकली, असली तुम्हें देने के लिए छोड़ रखे। तुम मुझे क्या देने वाले हो ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। अच्छा, कम ऑन शबन। जाने, ए तोता कुछ ज्यादा ही बोलने लगा है। मैं डेलीफ्रेंड हूं। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। बहुत देर कर दी आपने, मुझे तो आप ही का इंतजार था। कहिए क्या गड़बड़ हो गई? मुझे लगता है कि आपकी हम शक्ल ने कोलोशियम में हमारे आदमी को शूट कर दिया है और 50,000 डॉलर्स लेकर भाग गया है। ओह माय गॉड, इसका ये मतलब हुआ कि उसे हमारी हर चाल का पता है। कल शाम वाली डील के लिए मुझे होशियार रहना पड़ेगा। डील कल शाम को नहीं है जनाब, बल्कि आज ही शाम को है। आज शाम को? जी हाँ, और वेनिस जाने के लिए 8 बजे से पहले कोई फ्लाइट नहीं है। आप कुछ कीजिए, प्लेन चार्टर कीजिए, हेलीकॉप्टर दीजिए, लेकिन अगर वो आदमी मुझसे पहले कसीनो पहुंच गया तो गजब हो जाएगा। रमेश, इन दोनों के ऊपर इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक नहीं है। तुम ठीक कहते हो मार्कनी। थैंक यू शबनम, आज के बाद हम दोनों के रास्ते अलग अलग होंगे। पता नहीं इसके बाद हम दोनों मिल पाते हैं या नहीं, लेकिन मेरे लिए तुमने जो कुछ भी किया है वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। अपना ख्याल रखना। Nada mais. 23 entrado, 23 reais. Black. 13 is lucky for me. Me too. I'm from Delhi. Delhi friend? Yeah. Follow me. Center page. Hey.
go to sixth floor toilet. Sixth floor ke toilet pe jao. Passport. Thank you. Excuse me. Which way to the toilet? It's over there, please. Thank you. Kaun? Delhi friend. ठीक वक्त पर आए राम से दरवाजा बंद करो माय नेम इज सेठी हाउ डू यू बहुत तारीफ सुनी आपकी रकम लाए पहले टेप और कोड बुक स्मार्ट गाय अगर हम कुछ भी ना दें और तुम्हें भून डाले तो नहीं तुम ऐसा नहीं करोगे क्योंकि तुमने वादा किया है हम वादा निभाना खूब जानते हैं डेली फ्रेंड ये रही फिल्म और कोड बुक थैंक यू ठहरो अगर हम रकम गिन ले तो कोई एतराज अगर मैं टेप सुन लूं तो कोई एतराज तुम टेप सुनते रहना हमें रकम गिन के लेनी है बिजनेस इज बिजनेस ओके अपने अपने रिवॉल्वर से करो अब एक एक करके मुझे दो तुम पहले तुम अब देखता हूं कौन किसको भूल के रखता है काम हो गया क्या हाँ हो गया वेरी गुड टेप कहाँ है मेरे पास लाओ लेना है तो खुद ले लो जाए आउच ये क्या कर रहे हो शबनम ये क्या किया तुमने कभी नहीं बेवकूफ बचा दिया उसे पक्को मत बेवकूफ उसे नहीं तुम्हें बचाया है यहाँ गोली चलाने का मतलब जेल की हवा खाना है कम ऑन फॉलो हिम शबनम तुम आ जाओ मारो तो मेरे साथ आओ चलो चलो Thank you.
तू वो तो भाग गया। अरे भाग कर किधर जाएगा? वो जरूर लिस बन गया होगा। हाँ मैं ना, चलो हमारे साथ। टू लिस्बन। गेट नंबर टू प्लीज। थैंक यू। You didn't go? No. Where? Sixth floor, to the toilet. Oh, yes. Thank you. Password, please. Thank you. You bastard! Sara Shelby got to get that dumb! Take him! Take him! देखिए मेरी बात सुनिए। मार्टिन, अगर ये सीधी तरह ना माने तो इस हराम जादे की तोड़ तोड़ करके फेंक दो। डाई Thank you.
मार्टिन। ओह नो मार्टिन, क्या हुआ? टैक्सी एयरपोर्ट तो कहाँ चले गए थे जय? बोलो ना कहाँ चले गए थे, बोलो ना जय। वो बात ये कि माला मैं कोई बात नहीं, तुम आ गए हो, मैं बहुत खुश हूँ। आओ जय। डैडी देखो कौन आया है, आओ जय। अरे जय कहाँ चले गए थे बेटा, कहाँ लगा दिए ये दो दिन? जी नमस्ते। नमस्ते। वो यूं ही एक काम पड़ गया था, ये चिट्ठी डैडी ने आपके लिए दी है। रतनदास की चिट्ठी? जी। और तुम अब दे रहे हो इतने दिनों के बाद? जी वो हुआ यूं क्या कि... करें बेचारे, भूलने की आदत से जो मजबूर है। ओ, लेकिन ये तो याद है ना कि तुम यहाँ आए थे। हाँ, मैं आया था, ये तो याद है, कैसे भूल सकता हूँ। हाँ, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, तुम जैसे भुलक्कड़ नौजवानों की याददाश्त ठीक करने का सिर्फ एक ही इलाज है, शादी। मैं अभी रतनदास को टेलीग्राम दे देता हूँ कि वो फौरन यहाँ आ जाए ताकि तुम दोनों की शादी कर दी जाए। जाओ आराम करो। चलो जय। ये देखो तुम्हारे जाने के बाद ये फोटो मिला, याद है ना रोम में खिंचवाया था? हाँ हाँ याद है। अच्छी तुम चले गए तो मैं ऐसे से बातें करती थी। क्या बातें? यही कि तुम क्यों चले गए, कहाँ चले गए, कब आओगे। मेरा प्यार सच्चा था जय, इसलिए तुम वापस चले आए। ये लो रखो अपनी चिट्ठी, क्यों लिखा था कि तुम मेरे जय नहीं हो। सच है दो दिन ना तो मैं ठीक से खा सकी ना सो सकी। दो दिन में ही इतना अपनापन हो गया? जय किसी को पाने और किसी की हो जाने में वक्त की जरूरत नहीं होती। शायद तुम ठीक कह रहे हो माला, लेकिन कुछ ऐसे भी बदकिस्मत होते हैं जो हकदार होते हुए भी प्यार और अपनेपन की खुशी हासिल नहीं कर सकते। कल तुम अपने लोगों की दुनिया में चले जाओगे, आज की एक शाम भी मुझे नहीं दे सकते। अरे कहाँ खो गए तुम? गाना मैं सुन। ओ, तो भूलने वाले को गाना याद आ गया। गाना? नहीं दरअसल बात ये माला कि मैं बहुत थक गया हूँ, थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ। आई एम सो सॉरी, तुम्हें मिलने की खुशी में मुझे कुछ याद ही नहीं रहा। ठीक है तुम आराम करो, शाम को गोम्स के रेस्टोरेंट में जाएंगे। ओके ओके माला। What you like to drink, Miss Mala, sir? हाँ, क्या पियोगी? I'll have a pineapple. One pineapple, one double scotch. Oh yes. तुमने तो कहा था कि तुम शराब नहीं पीते? कहा था, झूठ कहा था। माला उस रोज के जय और आज के जय में बहुत बड़ा फर्क है। Thank you. Anything else, please? No, thank you. Mr. Gomes, आपके यहाँ कोई जुआ खेलने की जगह है? Casino वगैरह? Casino? नो सर। तुम्हें जुआ भी खेलना है? माला शायद तुम जानती नहीं हो, आई एम अ गैम्बलर और जुए में मैं कभी हारता नहीं, लेकिन आज ऐसे लग रहा है जैसे पहली बार जिंदगी के जुए में हारने जा रहा हूं। क्या हो गया तुम्हें, क्या मुझसे कोई गलती हुई है? नहीं कुछ नहीं, रिलैक्स। Cheers. Cheers. Cheers.
ओके। ऑफ कोर्स मैं अभी दीपचंद को फोन करता हूं, कम विद मी। बेटी जी, होटल में भी फसाद किया किसी के साथ, परसों तक अच्छा भला था, समझ में नहीं आता ये यकायक इतनी तब्दीली कैसे हो गई इसमें। आज जो कुछ भी हुआ उसे तो मुझे भी शक होता है, कहीं ये दूसरा आदमी तो नहीं। तुम ठीक कह रही हो माला। तुम? मैं वो नहीं हूं। तो तुम कौन हो? मैं रतन दास का बेटा नहीं, उसका पार्टनर हूं। क्या? जी हाँ, जिस रतन दास को आप जानते हैं वो क्या था मैं नहीं जानता,
लेकिन आज का रतन दास एक अय्याश बेईमान और बदकार इंसान है। तुम मेरे दोस्त पर इल्जाम लगा रहे हो। वो आपका दोस्त नहीं दीपचंद जी, आपका दुश्मन है। उसका बेटा तो कब का मर चुका है। क्या? जी हाँ, उसने तो मुझे अपना बेटा बना के यहाँ इसलिए भेजा कि मैं आपकी बेटी से शादी करके आपकी दौलत हासिल कर सकूं। लेकिन यहाँ आके जब मैंने आपकी शराफत देखी तो सच्चाई बताने पर मजबूर हो गया। अगर तुम वो नहीं तो वो कौन है? वो कोई मेरा हमशक्ल है जिसे मैं नहीं जानता। हमशक्ल? और तुमने जानने की कोशिश भी नहीं की कि वो कौन है? ये बात तो मुझे भी कुछ दिन पहले मालूम हुई, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा दीपचंद जी, मेरा हमशक्ल जो भी है देशभक्त है और उसका काम ईमानदारी का है, मेरी तरह दगा और फरेब का नहीं। ये तो बड़ा अजीब संयोग है कि हम दोनों अनजाने में एक दूसरे का काम कर बैठे, और जो कुछ हुआ अच्छा हुआ। मैं तो इस वक्त यही चाहूंगा दीपचंद जी कि आप मुझे माफ कर दें और जिसे आपने जय माना है उसी को विजय का सहरा पहनाएं। लेकिन तुम बॉम्बे पहुंच के रतनदास को क्या जवाब दोगे? यही कि उमाशंकर का बेटा रतनदास का बेटा नहीं बन सकता। क्या कहा? किसके बेटे? क्या नाम लिया तुमने? उमाशंकर। वही जो पार्टीशन से पहले लाहौर में थे? जी हाँ, लेकिन लेकिन आप उन्हें सराओ मेरे साथ। लो, इसमें पहचानो उमाशंकर कौन है। ये बाबूजी हैं, और ये तो आप हैं। ये तस्वीर आपके पास कैसे आ गई? बेटे, हम लोग बचपन के दोस्त हैं। पार्टीशन के वक्त हम लोग एक दूसरे से बिछड़ गए थे, तब से मैं तुम लोगों की तलाश करवा रहा हूं। लेकिन भगवान की लीला है कि आज उसने मुझे तुमसे मिला दिया। फिर वो जो मेरा हमशक्ल है वो कौन हो सकता है? वो जरूर तुम्हारा भाई होगा। ये देखो, ये तुम दोनों की तस्वीर है। ये मेरा भाई, मेरा सगा भाई। हाँ, ये अंबाला स्टेशन पे बचपन में खो गया था। इसका मतलब ये हुआ कि वो उसी काम के लिए गया होगा। किस काम के लिए? ये टेप और ये कोड बुक हासिल करने के लिए, जिसके पीछे खतरनाक गैंगस्टर लगे हुए हैं। ये दोनों चीजें हमारी भारत सरकार के लिए बहुत कीमती हैं। दीपचंद जी, मुझे यकीन है कि मेरा भाई इन दोनों चीजों के लिए नहीं यहाँ आएगा। मैं चाहता हूँ कि आप ये उसे दे दें, और कहीं वो ना आए तो इन्हें आप इंडियन एम्बेसी के सपोर्ट कर दीजिए। तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं, इसके असली हकदार आ गए हैं। तो तुम लोग यहां भी आ पहुंचे? आपकी खातिर लाइए, ये चीजें हमारे हवाले कर दीजिए। और कुछ नहीं। बेटी, पुलिस को टेलीफोन करो। मार्कनी, टेलीफोन लाइन कट और सर्वेंट लोग टाइट। नो यूज माय डियर ओल्ड मैन। खैरियत इसी में है कि सीधी तरह से ये टेप और कोड बुक हमारे हवाले कर दो, वरना जान चली जाएगी। फिर भी नहीं। तुम्हारी जान तो बाद में जाएगी, पहले तुम्हारी होने वाली खूबसूरत बीवी और तुम्हारे बुजुर्ग ससुर साहब की लाश नजर आएगी। आखिरी मौका देता हूं, वो टेप और कोड बुक मेरे हवाले कर दो, वरना That's good. Good. Take it easy, baby. Take it easy. ज्यादा गड़बड़ करेगा तो हम रिवॉल्वर का ट्रिगर दबाएगा और तुम्हारा फेस वाटर मेलन की तरह चीथरे चीथरे हो जाएगा। मार्गरेट, तुम इसे बांध दो। मैं इन दोनों को बांधकर टाइम बम फिक्स करता हूँ। ले जाओ इसे। Come on, baby. Come on. Come on, move. Move, you only move. Take it easy, baby. Take it easy. Come on, Ramesh. Hurry up. There's no time. Time bomb. Yeah. Markani. Yeah? यहाँ से होटल जाकर एयरपोर्ट पहुँचने में कितना वक्त लगेगा? Say about 45 minutes. 45 minutes? इस वक्त 9 बजे हैं. 9:45. वहाँ से हमारा प्लेन टेक ऑफ करेगा. यहाँ से ये लोग दुनिया से टेक ऑफ कर जाएंगे. Wonderful idea. Come on, hurry up. Bye bye, father in law. Bye bye. Hey, Markani. Yeah? क्यों नहीं ये गाड़ी भी अपने साथ ले चले? हाँ? Good idea. Come on, Dad. Get in, baby. Get in.
काम हो गया? हाँ, काम हो गया। हमारी सीट्स कंफर्म हो गई? नहीं, कल 12 बजे से पहले हिंदुस्तान जाने वाली कोई फ्लाइट नहीं है। ओह माय गॉड, ये जगह खतरा से खाली नहीं है। यस, क्यों ना हम लोग लिस्बन एक्सप्रेस से मैड्रिड चले और वहाँ से प्लेन पकड़ ले। दैट्स अ गुड आइडिया। या गुड आइडिया। या अच्छा, तुम जाकर हमारी सीट्स कंफर्म करो, हम जाकर सामान बांधते हैं। ओके या हरी अप। माला, बाबूजी, माला। माला, ये क्या हुआ? ये किसने किया सब कुछ तुम्हें? दो बदमाशों ने, देखो डैडी को भी बांध दिया है। डैडी, पहले उस घड़ी को बंद करो, वो टाइम बॉम्ब है। टाइम बॉम्ब? ये सब तुम? तो आखिर तुम मिली गए? जानते हो बेटा ये कौन है? अच्छी तरह। ये वही शख्स है जिसने मेरे हमशक्ल होने का नाजायज फायदा उठाया, पैसों के लालच में दुश्मनों से देश की हिफाजत का सौदा किया। मैं इस गद्दार को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पता वो टेप कहाँ है? पता मुझे? पता ये क्या कर रहे हो बेटा? अपने भाई पे हाथ उठा रहे हो? अच्छा, तो इसने आपको भी धोखे में रखा और आपने इसका यकीन कर लिया? शायद आप नहीं जानते कि मैं कर्नल चोपड़ा का इकलौता बेटा हूँ। नहीं, उन्होंने तुम्हें पाला होगा। असल में तुम दोनों मेरे प्यारे दोस्त उमा शंकर के बेटे हो। तुम्हारा नाम विजय है और इसका जय। तुम्हारे तुम्हारे यहाँ एक चक्ते का निशान भी है। हाँ वो तो है। विजय, मुझे भी सब कुछ बाबूजी नहीं बताया। हम दोनों की रगों में बहने वाला खून एक है, हम एक हैं। मेरे भाई, लेकिन बेटा सबसे पहले हमें उन बदमाशों को तलाश करना चाहिए जो वो टेप और कोड बुक ले गए हैं। एक्सक्यूज मी मिस्टर कोम्स, वो इंडियन डांसर उसके साथ ही किस कमरे में है? वो लोग तो गए, लेकिन एक चिट्ठी छोड़ गए मिस्टर जय के लिए। है? लेकिन इन दोनों में से जय कौन है? मैं हूं। जय, मैं इन लोगों को लिस्बन एक्सप्रेस से मैड्रिड ले जा रहे हूँ। उम्मीद है तुमसे मुलाकात होगी शबनम। यू लाइक इट? भैया ट्रेन आ रही है, समझ कूदना। मैं तुम्हें वहां आगे सड़क पे मिलूंगा, ठीक है? किधर है वो? कौन? मामा मिया, जिसकी वजह से हमारा इतना डिफिकल्ट मिशन सक्सेसफुल हुआ। ओ शबनम, वो थक गई है, कंपार्टमेंट में रिलैक्स कर रही है। जो हम भी जाता उसका कंपार्टमेंट में उसका साथ रिलैक्स करता। मार्कनी, प्लीज सिट डाउन, यू आर ड्रंक। नो बेबी नो, यू आर मिस्टेकन। आई एम सॉरी, यू आर मिस्टेकन। शबनम नहीं तो कुछ भी नहीं, यू सी। Shabu, darling. Shabu. Kya kar rahi ho, Jan? हमारे मिलने के दिन बहुत करीब आ गए हैं शबो डार्लिंग।
कोड बुक पाकर बॉस इतना खुश होगा, कहेगा मांगो, क्या मांगते हो? क्या मांगोगे? तुम्हें। रियली? आई लव यू डार्लिंग। लेकिन कोड बुक तो कंपार्टमेंट में छोड़ाए हो, अगर किसी ने चुरा ली तो? डोंट बी सिली। उस कोड बुक को बड़ी हिफाजत के साथ हमेशा मैं अपने पास रखता हूँ। कम ऑन नाउ, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, गो टू द डाइनिंग कार। Cheers, baby. Cheers. Come on, cheer up. रमेश मजा आ गया, मैंने कहा था ना कि शबनम नहीं तो कुछ भी नहीं। हसीना हसीना नगीना पुदीना, अरे हम तुम पर पसीना पसीना पसीना। Excuse me, mister. Relax, relax. मल का है उसने जवानी, हम आपको अपने हर में नंबर न्ये, न्ये, न्ये। हाँ, दोएम की मलका खास का रुतबा देना चाहते हैं। ये क्या बकवास है? वल्ला वल्ला माशाल्लाह सुभानअल्लाह, क्या आवाज है, क्या साज है, क्या अंदाज है। ए मिस्टर, ये क्या बदतमीजी, कौन है आप? सेक्रेटरी। यस योर हाइनेस। योर हाइनेस? यस जनाब नवाबुल मुल्क शाहिनशाहे सवाई हवाई ऑयल किंग हुजूर इब्नुल रसूल अब्दुल अब्दुल्ला अब्दुल्ला दीवाना। ये क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए मुझे। भाई 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 भाई, सेक्रेटरी, हम मलकाए हुस्न जमाले कमाले मसाले की नाराजगी पर कुर्बान, सबको एक एक बोतल शैंपेन। हाँ, शैंपेन पेश करो। थैंक यू योर हाइनेस, आई एम सॉरी, थैंक यू योर हाइनेस। वेटर, शैंपेन, शैंपेन, कम ऑन हरी अप। वेटर, शैंपेन फॉर एवरीबॉडी। यस सर। सेक्रेटरी, दरियाफ्त हो इस मिशरी। एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, हिज हाइनेस नाम पूछ रहे हैं। ओह, मेरा नाम रमेश है, मेरा दोस्त मिस्टर मार्कोनी मंडोना। नहीं नहीं नहीं, तुम दोनों का नाम नहीं, हुस्न हसीना, तुम अपना नाम खुद फरमाओ। शबनम। शबनम शबनम, मानिंद मौसीकी, मानिंद हूर जन्नत। सेक्रेटरी, वो नेकलेस किधर है जो हमने कुस्तुंतोनिया से 20 लाख दिनार देकर खरीदा था? वो हार, ओ वो हार तो आपने कल की फ्लाइट में एयर होस्टेस को प्रेजेंट कर दिया था योर हाइनेस। कर दिया था? यस योर हाइनेस। ओ परवाने परवाने, फिलहाल बतौर निशानी इश्क हम अपनी ये नेकलेस इनकी सुराहीदार गर्दन को पेश करते हैं। कबूल हो, कबूल हो। शुक्रिया, मैं जाऊं। चलिए मलकाए हरमे नंबर दोएम, इनसे रुखसत लीजिए, चलिए। ये क्या मजाक हो रहा? जेंटलमैन, ये मेरी फैंसी है, इनसे मेरी शादी होने वाली है। बदकिस्मत है, किसी और से शादी कर लो। किसी और से शादी कर लो। लीव मी मैन। चलो हसीना, चलो। वेट अ मिनट, आप इसे ऐसे नहीं ले जा सकते। सेक्रेटरी, डॉलर पाउंड दिनार मीनार, जो कुछ भी चाहे इन्हें दे दो, हम मलकाए हुस्न जवानी को खरीदते हैं। विल यू प्लीज लीव आवर अलोन। आई से रमेश, रमेश सुनो। रेडी? सुनो, इस बेवकूफ से डॉलर पाउंड दिनार मीनार जितना भी हो सके वसूल कर लो। मैं इस बेवकूफ को डबल बेवकूफ बना के आती हूँ। चलो हसीना नगीना पुदीना। बेच दो रमेश, बेच दो और माल अंदर कर लो। सेक्रेटरी, माल लाओ। शैंपेन सर। हाँ, गिव इट, गिव इट। हाँ, आप लोग इतने आराम से शैंपेन पीजिए, मैं माल लेकर अभी आता हूँ। हरी अप, हरी अप। एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। शबनम। जय, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुमसे दोबारा मुलाकात होगी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ शबनम। आई लव यू, आई लव यू। जय, जानती हो सेक्रेटरी कौन है? कौन है? मेरा भाई, मेरा जुड़वा भाई। सच? हाँ, वो यहाँ पर टेप और कोड बुक की तलाश में आया। तुम्हें मालूम है रमेश ने उन्हें कहाँ छुपा के रखा है? वो उसने अपने पास संभाल कर रखी है। क्या अभी बताता हूँ।
जय। ओए। तुम जरा बाहर दरवाजे पर रहना, मैं इससे निपटता हूं। तुम? ओके। टेप और कोड बुक कहाँ है? मेरे पास नहीं है। टेप और कोड बुक। मैंने कह दिया ना मेरे पास नहीं है। इधर है। बोलो। मेरे पास नहीं है। जय, तलाश लो इसकी। सलील लड़की, कल तक तो मेरे साथ मोहब्बत का नाटक करती रही, आज इसके गले लग गई। हट। ये क्या है? रोमेश, रोमेश, भाग जा मार करी। What happened? Open. Romesh, open, baby. Come on. Is it open? Oh, sorry. चलो भैया। फिर मुलाकात होगी। आओ जी, अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ। तुम ये टेप और कोडबुक लेकर बंबई जाओ। मैं मौका पाते ही पुलिस चीफ मिस्टर सेन वर्मा को फोन कर दूंगा। वो तुम्हें एयरपोर्ट पे मिलेंगे, उन्हें ये चीजें सौंप देना। ओके? तुम फिक्र मत करो, मैं जान देकर भी इनकी हिफाजत करूंगा। और हाँ, जिस बहन की मुझे कतई याद नहीं, उसे मेरा प्यार देना, मैं आते ही मिलूंगा। आप? बेटी, मेरा नाम दीपचंद है, ये मेरी बेटी है माला। अच्छा अच्छा, आप ही माला जी हैं। आइए अंकल जी, अंदर आइए। जय भैया ने मुझे आपके बारे में सब कुछ चिट्ठी में लिख दिया था। हाँ, मुझे तुम्हारे दोनों भाई मिले थे, उन्हीं के कहने से हम लोग यहाँ आए हैं। दोनों भाई? हाँ मधु, जय और विजय। विजय बचपन में ही खो गया था, किस्मत ने फिर मिला दिया। बस वो एक दो दिन में यहाँ पहुँच जाएंगे। अच्छा, आइए अंकल जी, आइए। कम सुन लिया, आप ये कहने के लिए टेलीफोन कर रहे हैं कि वो लोग कोडबुक ऑफ फिल्म लेकर भाग गए? आई अंडरस्टैंड। अब आप फौरन शबनम को साथ लेकर वापस आ जाइए और मार्कनी से कहिए मेरी इंस्ट्रक्शंस का इंतजार करे। डू यू अंडरस्टैंड? ले वो सीआईडी एजेंट का फोटो दो। यस सर। डगलस? यस सर। हर एयरपोर्ट पर अपने आदमियों को तैनात करो और ये जनाब विलायत से वापस आए तो मेरे सामने हाजिर किया जाए। ओके सर। ले रतन दास को कांटेक्ट करो। आई विल कॉल हिम। हेलो मिस्टर सक्सेना, क्या बात है, बहुत परेशान नजर आ रहे हो। रमेश ने बताया तुमने किसी आदमी को शादी करने के लिए लिस्बन भेजा था। हाँ, वो जय है, हमारे गैम्बलिंग डेन में काम करता था। तुम्हें मालूम है वो और उसका जुड़वा भाई मिलकर हमारा कोडबुक का फिल्म लेकर भाग गए? रियली? मुझे तो मालूम नहीं था उसका कोई जुड़वा भाई भी है। खैर घबराओ नहीं, उसकी बहन यही है। क्या? शुभ स्केटा, उसे फौरन अपने कब्जे में करो। मिस्टर जे, आप यहीं पर ठहरिए, मिस्टर सेन वर्मा आपको यहीं पर मिलेंगे। सारे पैसेंजर्स तो आ गए लेकिन वो नहीं आया, शायद वो बाद में आएगा। मैं सेन वर्मा हूं। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। मैं जय हूं। ये टेप और कोडबुक इसमें। थैंक यू जय। सुनो, तुम्हारा इस तरह बाहर जाना ठीक नहीं, मेरे साथ चलो, मेरी गाड़ी तुम्हें अपने घर पहुंचा देगी। आओ। यस सर। मधु, हे मधु। अरे मधु, डियर पार्टनर, तुम्हारी बहन मधु, दीपचंद और माला इस वक्त मेरे मेहमान हैं। अगर उनसे मिलना चाहो तो फौरन चले आओ। तुम्हारा पार्टनर रतनदास। आओ जय, आओ।
वो लोग कहाँ हैं? मेरे गेस्ट हाउस में। खैरियत से हैं। तुम्हारी गैर हाजिरी में उनका ख्याल रखना मेरा फर्ज था। मैं उन्हें लेने आया हूं। ऐसी जल्दी भी क्या है, ले जाना। रतनदास, मैं तुमसे कह रहा हूं कि अरे हाँ, मुझे दीपचंद से पता चला कि तुम मेरे पुराने दोस्त उमा शंकर के बेटे हो, जानकर बड़ी खुशी हुई। देखो, पुरानी बातों को भूल जाओ और एक बार नए सिरे से फिर शुरू हो जाओ। आइए आइए नाथ साहब, आइए। मैंने आपका काम कर दिया है सेठ रतनदास, लेकिन अरे इनसे क्या पर्दा है, ये तो मेरे पार्टनर हैं, बल्कि मेरे बेटे के समान है। क्या है? ये रहा आपका K2 प्लान। देखें, देश की रक्षा का अनमोल राज। ये आप क्या कर रहे हैं नाथ साहब? ये सब तुम्हारी मेहरबानी है। अगर जुए में तुमने मुझे लूटा ना होता तो ये कर्जा चुकाने यहां आना पड़ता। अरे फॉरगेट इट, भूल जाओ इस बात को। सेठ रतनदास, मैं अपने बीवी बच्चों के साथ किसी और शहर में पराया लेना चाहता हूं। मेरा परनोट और बाकी रकम वापस कर दो। श्योर रफीक। यस बॉस। इनका हिसाब कर दो। ओ यस श्योर। नाथ साहब, रतनदास, तुमने बहुत अच्छा किया। देश के गद्दार की ये सब रतनदास, पहले तुमने इसकी रकम लूटी, उसके बाद इससे सरकारी कागजात की चोरी करवाई और अब इसका खून कर दिया। अगर तुम्हें इससे इतनी हमदर्दी। अब बोलो कहां है मेरी बहन, कहां है माला, कहां है उसके पिताजी, बोलो। वाह, पिस्तौल हाथ में आते ही रुख बदल लिया। पहले तुम बताओ कि कोड बुक और टेप कहां है। क्या? तो क्या तुम भी? जो बात मैं पूछता हूं उसका जवाब दो, वरना तो अब मेरे हाथ में है। बता दो, नहीं तो एक एक को भून के रख दूंगा। जय, जब ये पिस्तौल मैं अपने असिस्टेंट के हाथ में देता हूं तो उसमें सिर्फ एक गोली होती है और वो चल चुकी है। ले जाओ इसे। क्या कह रहे हैं आप? K2 प्लान चोरी हो गया? कैसे? नाथ कहां है? मेरी जी, फाइंड आउट मेरी जी। सर, टेप का क्या हुआ? हमने टेप चलाकर देखा है, उसमें सेठी ने कहा है कि गोवा में सक्सेना नाम का कोई बिजनेसमैन है जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स को फंसाकर उनसे मिलिट्री के सीक्रेट्स हासिल करता है। व्हाट? यस सर, और डांस फिल्म्स के जरिए उन सीक्रेट्स को विदेशी सरकारों को भेजता है। सक्सेना का डर उसको भी नहीं मालूम सर। जरूर इसी आदमी ने K2 प्लान चुराया है। आई मस्ट गो टू गोवा इमीडिएटली। डार्लिंग, ऐसा लगता है मुझे बाहर जाकर देखना पड़ेगा गाड़ी आई कि नहीं आई। तुम सामान चेक करो, मैं बाहर जाकर देखता हूँ। ओके शबनम, घबराना नहीं, मैं तुम्हारे साथ। ये लो लाइटर, इसमें कैमरा है, और ये रिवॉल्वर तुम्हारी हिफाजत के लिए। जाओ। कम शो डार्लिंग, कम, हरी आप कम। Excuse me. Left, hippie colony, hippie. I'm sorry, I'm not going there. Look, no money, no car, no taxi. Now please. Listen, look. Ramesh, ani to na bichare ko. Come on. Okay, get in fast. Ah, beautiful lady. I beg your pardon. Your wife? Yeah, get in fast. Okay. Let's go, man. Yeah, let's go. Come on, move it. Move it, man. Babe. Hey, why are we stopping? Let's go, darling. Come on. Hey, what's going on here, man? Hey, what? You get inside. Look, I want to go to the hippie colony. Come on, take it. Look, man. Okay. Hey, why don't you listen to me? Hey. Hey, stop. I want to get out here. Thanks, sir. Thank you.
भाई। जी साहब, हमको उधर ले जाएंगे? हाँ साहब, आइए आइए। रमेश, ये कौन सी जगह है? ये वही तो जगह है जहाँ बॉस रहता है। कौन है तुम? हरे रामा हरे कृष्णा। क्या भक्ते हो? भक्ता नहीं, हम तो बॉस का आदमी है। बॉस का? ये देखो, चरस गांजा लाया उसके लिए। रोम से मार्कोनी ने हमको भेजा। मार्कोनी? ओ मार्कोनी, लोबो इसे बॉस के पास ले जाओ। लोबो, लेट्स शेक अ बबल। बॉस, मार्कोनी इज फोन हियर। हाय मार्कोनी, लुक, की टू प्लेन मिल गया। जल्दी से प्लेन लेकर हमारे प्राइवेट एयरपोर्ट पर आ जाओ, हम फौरन यहाँ से निकल जाएंगे। हाँ हसीन हो, जवान हो, स्मार्ट हो और नाम भी बहुत प्यारा है, शबनम। यह मेरा पार्टनर रतनदास। हेलो। नेवर माइंड नेवर माइंड, मुझे खुशी है कि तुमने मेरे काम के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। लेकिन मुझे अफसोस है कि हम जीती हुई बाजी हार गए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, खेल में तो हार जीत होती रहती है, क्यों रतनदास? ओह यस यस यस। रा 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 जी। वो दोनों तुम लोगों को बेवकूफ बनाकर भाग गए, लेकिन अब उनमें से एक हमारे कब्जे में है। ये देखो, हाँ वही जिससे तुम मोहब्बत करती रही और वो तुम्हें धोखा देकर गायब हो गया था। ये झूठ है, मैंने कभी उससे मोहब्बत नहीं की। नहीं की ना? मुझे यकीन है। मगर अब तुम्हें एक और काम करना है। जैसे दरियाफ्त करो वो फिल्म और कोड बुक कहाँ है, अगर वो ना बताए तो उसका खात्मा कर दो। हेलो पानाजी पुलिस स्टेशन, मैं विजय बोल रहा हूँ सेंट्रल इंटेलिजेंस से। सर विजय ऑन द लाइन। हेलो हेलो विजय, कहाँ से बोल रहे हो? सच्चाई कहते से, मैं पुलिस देकर वहां पहुंचता हूँ। यू होल्ड देम देयर। या ओवर। कम इन। जय, क्यों ताज्जुब हुआ कि हमें वहां ट्रेन में मरने के लिए छोड़ाए थे, हम जिंदा बचकर यहां कैसे आ गए? खैर छोड़ो, आज तुम्हें इस हालत में देखकर मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है। वैसे मैंने बॉस को राजी कर लिया है कि वो तुम्हें रिहा कर दे। बस इतना बता दो कि तुम्हारा भाई, टेप और कोड बुक कहां है? जलील कमीनी मक्कार। ये रहा गाली का जवाब और ये ट्रेन में मारे हुए चांटी की वापसी। शबनम, ये क्या, आखिर तुमने जैसे मोहब्बत की है चाहे झूठी सही। तुम हटो, मैं पूछता हूं। जय, तुम मेरे पार्टनर भी हो और मेरे दोस्त भी। अगर तुम सब कुछ नहीं बताओगे तो तुम्हारे साथ साथ इन बेचारों की जिंदगी भी जाएगी। मैं तुमसे कह चुका हूं मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम। तुम्हें सब कुछ मालूम है और तुम बताओगे भी। जय, मैं कहता हूं अब भी वक्त है, सब कुछ बता दो वरना पांच मिनट के अंदर अंदर सब खत्म हो जाएंगे। Yeah!
रमेश सब गार्ड को होशियार करो, जगह को घेर लो, कोई बाहर न जाने पाए। ओके। बहुत खूब, बहुत खूब। शाबाश लड़की, हम तुम्हारी हिम्मत की दाद देते हैं। हमारे डेन में पहुंचकर हमारे एक साथी को तुमने मार डाला, इस बहादुरी के लिए मैं तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दूंगा। रमेश इस धोखेबाज के आशिक को इसी के सामने भून दो। नहीं रमेश नहीं। एक भाई को बचाने वाला दूसरा भाई। विजय। विजय भैया। सक्सेना तुम्हारा खेल खत्म हो गया। मेरी बंदूक की नली तुम्हारी खूनखार आंखों के ठीक बीचों बीच निशाना लगाए हुए है, और इससे पहले कि गोली चल जाए अपने गार्ड से कहो कि अपनी बंदूकें फेंकने। गार्ड बंदूकें फेंक दो। तुम भी फेंको। इसमें सब सामान रख दिया। खिंचवाने मत देना। यस बस। खोल दे।
हाथ को। सर सर सक्सेना शबनम को लेकर भाग गया, जय उसके पीछे गया, हमें उसके पीछे करना। लेट्स गो इमीडिएटली। इंस्पेक्टर अरेस्ट देम ऑल। कम ऑन जल्दी करो। प्लेन स्टार्ट करो। अब ये प्लेन स्टार्ट नहीं होगा सक्सेना। तुम? हाँ मैं। तुम्हारी मंजिल विदेश नहीं, पुलिस स्टेशन है, और वहां तुम्हें ये नहीं ले जाएगा, मैं ले जाऊंगा। और प्लेन पे कब्जा कर लो। सर ये K2 प्लान। थैंक यू। मुझे तुम दोनों भाइयों पर नाज है। तुम दोनों भाइयों ने अपनी जिंदगी खतरे में डालकर देश का बहुत बड़ा काम किया है, और उसमें माला और शबनम ने बड़ी दिलेरी से साथ दिया है, इसलिए आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। दीपचंद जी, इस खुशी के मौके पर लगे हाथ आप इन दोनों की शादी कर दीजिए, ताकि आपसे एक शानदार पार्टी ली जाए। ओह श्योर श्योर। लेकिन सर एक ही पार्टी से काम नहीं चलेगा, शादियां दो तो पार्टियां भी दो होनी चाहिए, एक इनकी तरफ से एक आपकी तरफ से। ओह यस ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट व्हाई नॉट। कम ऑन लेट्स गो।